बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए स्क्वायर रूट बी प्लस बी स्क्वायर रूट ए इज इक्वल टू 63। ए स्क्वायर रूट ए प्लस बी स्क्वायर रूट बी इज इक्वल टू 222। इस इक्वेशन को सॉल्व करके ए प्लस बी को फाइंड करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर वन का, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर टू का। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर वन प्लस इक्वेशन नंबर टू, इन इक्वेशन नंबर वन और टू को ऐड करेंगे। तो यहाँ ए स्क्वायर रूट बी प्लस बी स्क्वायर रूट ए प्लस ए स्क्वायर रूट ए प्लस बी स्क्वायर रूट बी इज इक्वल टू 63 प्लस 222। फिर क्या करेंगे, यहाँ इनको और इनको साथ लिख देंगे, ए स्क्वायर रूट बी प्लस बी स्क्वायर रूट बी, इनको और इनको साथ लिख देंगे, प्लस ए स्क्वायर रूट ए प्लस बी स्क्वायर रूट ए इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 63 222 प्लस 63, इनसे 5, इनसे 8, इनसे 2, तो यहाँ आ जाएगा 285। फिर क्या करेंगे, इन दोनों से स्क्वायर रूट बी को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ जाएगा ए प्लस बी, इन दोनों से स्क्वायर रूट ए को कॉमन ले लेंगे, यहाँ जाएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू 285। फिर क्या करेंगे, ए प्लस बी, ये वाला और ये वाला ये सेम है, इनको एक ब्रैकेट में लिख देंगे, दूसरे ब्रैकेट में स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी लिख देंगे इज इक्वल टू 285, और इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर थ्री का। फिर क्या करेंगे, इनको हमें फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी, इनकी वैल्यू को फाइंड करें के लिए क्या करेंगे, हमें फार्मूले का पता है, ए प्लस बी होल क्यूब वो बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। तो यहाँ स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी, इनको भी इस तरह करेंगे फार्मूला के मुताबिक, होल क्यूब इज इक्वल टू वो बराबर होता है स्क्वायर रूट ए होल क्यूब प्लस स्क्वायर रूट बी होल क्यूब प्लस 3 स्क्वायर रूट ए होल स्क्वायर रूट बी प्लस 3 स्क्वायर रूट ए स्क्वायर रूट बी होल क्यूब। तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ लिख देंगे स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी होल क्यूब, तो यहाँ इनको इस तरह लिख सकते हैं ना, स्क्वायर रूट ए होल क्यूब को स्क्वायर रूट ए मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ए मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ए, तो यहाँ इनसे आ जाएगा स्क्वायर रूट ए होल स्क्वायर स्क्वायर रूट ए, तो यहाँ इसके साथ कैंसिल हो जाए, यहाँ जाएगा ए स्क्वायर रूट ए, तो यहाँ इनकी जगह इनको लिख देंगे ए स्क्वायर रूट ए प्लस, इनको भी इस तरह करेंगे, यहाँ लिख देंगे स्क्वायर रूट बी होल क्यूब, तो यहाँ स्क्वायर रूट बी मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट बी मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट बी, तो यहाँ इन दोनों से आ जाएगा स्क्वायर रूट बी होल स्क्वायर स्क्वायर रूट बी, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाए, यहाँ जाएगा बी स्क्वायर रूट बी। तो यहाँ क्या करेंगे, इनकी जगह इनको लिख देंगे बी स्क्वायर रूट बी, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाए, यहाँ जाएगा 3 ए स्क्वायर रूट बी प्लस,
ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, थ्री स्क्वायर रूट ए बी। फिर क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर रूट ए प्लस बी स्क्वायर रूट बी प्लस थ्री ए स्क्वायर रूट बी प्लस, इनको लिख देंगे थ्री बी स्क्वायर रूट ए। फिर क्या करेंगे, यहाँ देख ये किसके बराबर है, इक्वेशन नंबर वन में ये 63 के, तो यहाँ इनकी जगह लिख देंगे 63 प्लस, इन दोनों से थ्री को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ जाएगा ए स्क्वायर रूट बी प्लस बी स्क्वायर रूट ए। फिर क्या करेंगे, तो ये किसके बराबर है, इक्वेशन नंबर टू में 222 के, इनको अपनी जगह लिख देंगे, इनको भी अपनी जगह प्लस थ्री मल्टीप्लाई इनकी जगह 222 लिख देंगे। यहाँ इनको मल्टीप्लाई करेंगे 222 को थ्री के साथ, तो यहाँ जाएगा 666, तो यहाँ इनको लिख देंगे स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी होल क्यूब इज इक्वल टू 63 प्लस इनकी जगह 666। फिर क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ जाएगा 9 12, 1 के हो गया 7, तो यहाँ जाएगा स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी होल क्यूब इज इक्वल टू 729। फिर क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी होल क्यूब 729, नहीं इनकी जगह लिख देंगे 9 पावर 3। फिर क्या करेंगे, दोनों साइड के साथ पावर में 1 और 3 लिख देंगे, इधर भी और इधर भी पावर में 1 और 3 लिख देंगे, तो यहाँ ये इसके साथ और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी इज इक्वल टू 9। फिर क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 को यहाँ लिख देंगे, इक्वेशन नंबर 3 क्या है, वो है ए प्लस बी यहाँ स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी इज इक्वल टू 285, स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी, इनको अपनी जगह लिख देंगे, जबकि किसके बराबर है, 9 के, इसको हमने पाइन के 285। फिर क्या करेंगे, दोनों साइड को 9 पर डिवाइड करेंगे, इसको भी 9 पर डिवाइड करेंगे और इसको भी 9 पर डिवाइड करेंगे, तो यहाँ 9 9 के साथ कैंसिल हो जाएगा, या हमारे पास ए प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 285। ये 285 है डिनोमिनेटर में 2। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया, हमारे पास आंसर ये आ गया।